हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुका है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो प्रकार थे, कौन से थे? एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसा एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है। ठीक है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको एक शीमेटिक डायग्राम दिखाया है, क्या देखते हैं? शीमेटिक डायग्राम दिखाया है आप एक। ये डायग्राम किस चीज का है, कैन यू गेस इट? आप गेस करिए किस चीज का ये डायग्राम हो सकता है। तो ये है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, ये है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग क्या करते हैं ना, जो रेडिएशन सॉरी जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन एनालाइज स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ आ गया होगा आपका स्पेक्ट्रोमीटर, मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में डिटेल में बता चुका है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसमें कौन से पार्ट है, हम लोग इसको लेवल करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये है क्या, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब आपने कहां देखा है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ रहे थे ना, वहां पे डिस्चार्ज ट्यूब था। ठीक है, देखिए ये है प्रिज्म, ये है प्रिज्म, अच्छा ये है लेंस, ओके ये है फोटो मल्टीप्लायर, ये थोड़ा सा नया टर्म है फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जुड़ गया एम्पलीफायर से, उसका रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड किस पे कर सकता है, मान लीजिए कि ये हो सकता है कोई भी पेपर, इट कैन बी अ पेपर और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो एक सिस्मोग्राम होता है। सिस्मोग्राम क्या होता है कि अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए एक मशीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इसे वैसा ही इलेक्ट्रिक डिवाइस यहाँ पे काम करेगा। ओके, टुडे मैंने आपको क्या किया है, इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग एक्चुअली में है क्या, इसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे निकाल सकते हैं, इसको यूज करके हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम निकालने का जो तरीका था ना, बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। समझ लीजिए कि ये अमृत था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को यूज करके साइंटिस्ट ने क्या किया ना, जो अलग अलग एटम्स जो डिफरेंट एटम्स थे उसका स्ट्रक्चर पाने में बहुत ही मदद किया। ठीक है, तो ये बहुत ही एक वर्सटाइल टूल था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अदर एटम्स। क्योंकि ये सबसे पहले देखिए जो हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, पहला एलिमेंट है, इसका मतलब सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट ऐसा हो सकता है, हम लोग बारी बारी ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं दूसरे एटम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे वो सब होगा हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा कि इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस इज फिक्स्ड एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है जो कि बहुत ही कम प्रेशर पे है। ठीक है, कम प्रेशर क्यों किया गया है, ताकि एट वेरी लो टेम्परेचर सॉरी एट वेरी लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, कनेक्ट करा देंगे। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवरी में, मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जब हाइड्रोजन आयोनाइज होता है हो जाते हैं, यहां हम देखते हैं इवन हाइड्रोजन आयोनाइज। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है मतलब कि ये अपने एच प्लस स्टेट में चला जाता है, तब क्या होता है ना, इसमें से कुछ इस डिस्चार्ज ट्यूब में से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। यही रेडिएशंस देखिए मैंने आपको रेड कलर से दिखाया हुआ है, क्या आप दिखाता हूं, ये क्या है, ये है रेडिएशंस। ठीक है, ये रेडिएशंस है। सबसे पहले ये प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद ये लेंस में गया, लेंस से पास करने के बाद ये चला गया फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है, तो बात आती है यहाँ फोटो मल्टीप्लायर का हम क्या है, हम लोग वो डिटेक्ट कर रहा है, कैसे बना रहा है स्पेक्ट्रम, बस हम लोग वही देखना है ना। रिकॉर्डर का काम क्या है कि क्या करता है, बस स्पेक्ट्रम कैसे बनाया वही देख लेता है, टू एनालाइज
रिकॉर्ड द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, सब एटम्स का उनका खुद का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सब एटम्स का उनका खुद का स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, टू रिकॉर्ड द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, रिकॉर्डर का काम है, ठीक है। तो फोटो मल्टीप्लायर क्या करता है ना, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजना है ना, ताकि रिकॉर्डर अच्छे से स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सके, यही फोटो मल्टीप्लायर का काम होता है, ठीक है। टू इंक्रीज, या आप बोल सकते हैं कि टू मतलब कि अच्छे से सिग्नल को भेजना, इसका काम है फोटो मल्टीप्लायर का काम है, ठीक है। क्या होता है, रेडिएशन इससे निकला, प्रिज्म से पास हुआ, प्रिज्म से पास होने पर लेंस, लेंस पे चला गया। हम लोग प्रिज्म और लेंस की क्यों यूज किए हैं, ताकि ये कनेक्ट हो जाए एक पॉइंट पे, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद फोटो मल्टीप्लायर आ गया, फोटो मल्टीप्लायर से जब ये इसका सिग्नल एकदम अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, आप बोल सकते हैं कि इसका सिग्नल एकदम प्योर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तब क्या करेगा, एम्पलीफायर में जाके ये एम्पलीफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई होने के बाद ही रिकॉर्डर में जाके ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में क्या लेके बताया था, सिस्मोग्राम, सिमुलेशन कुछ ऐसे यहाँ पे होगा, ठीक है। यही है एक स्कीमेटिक डायग्राम स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम अपना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जोड़ कर लीजिए आप, ठीक है। तब देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा बनाता है, वो देखने वाली चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखते हैं इसको कि हाइड्रोजन कैसे स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। होप यू कैन नोटेड इट, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ शार्प लाइंस स्प्रेड ओवर यूवी रीजंस, विजिबल रीजंस एंड आईआर रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस नहीं, रीजंस, ठीक है। तो देखिए कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो बहुत सारे शार्प लाइंस बने रहते हैं, जिससे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारे शार्प लाइंस से वो बना रहता है, जो कि कहां कहां रहता है, अल्ट्रावायलेट रीजंस, विजिबल रीजंस और आईआर रेडिएशंस, मतलब कि इंफ्रारेड रीजंस की जगह वो रहता है, ओके। अब देखिए, ईच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ईच लाइन आप यहां पे देख सकते हैं, ईच लाइन देख सकते हैं, उन सब लाइनों का जो वेवलेंथ होगा और फ्रीक्वेंसी होगा, सबका स्पेसिफिक होगा। मान लीजिए कि अगर मैं इस लाइन का बात करूं, लास्ट वाले लाइन का बात करूं, तो उसका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए एकदम स्पेसिफिक होगा, और जब मैं इस वाले बीच का मोटे वाले का बात करूं, तो जो इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगा इसके लिए स्पेसिफिक होगा। जो इसका होगा वो किसी का नहीं होगा, और जो इसका होगा वो भी किसी का नहीं होगा, सबके लिए खुद का उसके लिए ही है, ठीक है। समझ आ गया ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्कीमेटिक डायग्राम, ओके। तो देखिए, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू फाइव सीरीज, जो स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रम में जो लाइंस दिखाई देते हैं उसी को हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो इनको पांच सीरीज में आप कह सकते हैं या डिवाइड किया गया है। कौन से सीरीज है, नाम ध्यान में रखिएगा, इन सीक्वेंस कौन से है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, ओके। तो ये पांच नाम आपको एकदम ध्यान से रखिएगा, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड, भूलिएगा मत, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है। बाल्मर सीरीज किस रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन कौन से हो जाएंगे, विबजियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ठीक है, वो सब ध्यान रखिएगा। फिर से पैस्टन, ब्रैकेट और पीफंड किस रीजन में आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में आ जाएंगे, ओके। और यही है हम लोग का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये हो गया। उसके बाद ये यूवी रीजन, विजिबल रीजन और ये इंफ्रारेड रीजन, यहाँ तक होता है, ओके। ये सब कुछ सब आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम आप एकदम अच्छे से बनाइएगा, एकदम थोड़ा सा मैंने भद्दा बना दिया है, लेकिन आप इसको अच्छा बनाइएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो क्या हुआ ना,
1885 में बार्मर साइंटिस्ट, ठीक है, ये बार्मर है, बार्मर, यही बार्मर, ठीक है, अपना एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बार्मर इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बार्मर इक्वेशन, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन भी बनाया ताकि वो इन स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर कैलकुलेट कर सके। वेव नंबर हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है, उसका जांच जरूर देख लीजिएगा। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए बाल्मर ने इक्वेशन बनाया। हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, सब इसमें लिखा होगा इस चार्ट में, ठीक है, पर वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो है क्या, देखिए, न्यू बार वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बार इज इक्वल टू 10 96 77 इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 10 96 77 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। और देखिए जो n का वैल्यू होगा, n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2, मतलब कि जो n का वैल्यू होगा हमेशा 2 से बड़ा होगा। इट मींस n इज इक्वल टू 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट जहां तक चले जाए, ओके। समझ में आ रहा है आपको। एन क्या है, एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल शेल, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल शेल, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बार्मर फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल के तौर पे, कि आपको ये दे दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका वेव नंबर बताइए, प्रिंसिपल शेल दे दिया रहेगा, बोलेगा वेव नंबर बताइए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा अब देखिए इस इक्वेशन को, मतलब कि मेनली ये विजिबल रीजंस के लिए था, किसके रीजंस के लिए था, विजिबल रीजंस के लिए ये अप्लाई था, ठीक है। पर अब एक और साइंटिस्ट है, रेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट है, इन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक इक्वेशन बनाया इसी के लिए। क्या बनाया, थोड़ा सा मॉडिफाइड था, वो था न्यू बार इज इक्वल टू 10 96 77 इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर एंड n2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन n1। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n1 एंड n2 आर कांस्टेंट्स एंड इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल सेल, ठीक है। ये क्या शो करता है, n1 एंड n2 प्रिंसिपल सेल है और ये कांस्टेंट है 3 4 5 6 ऐसे ये हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, एक थोड़ा सा बस इसको मॉडिफाई कर दिया था, एक नया फॉर्मूला दे दिया, ओके। अच्छा उसके बाद देखिए जो ये 10 96 77 है ना, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। वन मार्क क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा ये कि वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है 10 96 77, आप ध्यान रखिएगा हमेशा इसको, ओके। ये हो गया बार्मर इक्वेशन, ये हो गया रेडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा इन दोनों को। मैं आपको अब एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एकदम सिंपल तरीके से समझा देगा, ठीक है। आइए इस चार्ट को देखिए, छोटा सा चार्ट है, ठीक है, ये छोटा सा चार्ट मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज है, वैल्यू ऑफ n1, वैल्यू ऑफ n2, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1 होता है, n2 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। रीजन क्या होता है इसका स्पेक्ट्रम का, यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी रीजन होता है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा देखिए एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम आप जानते होंगे, एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है 920 से लेके 1200 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। बाल्मर के लिए 2 3 4 5 6 विजिबल, और इसका लिए एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ क्या होगा, 4000 से लेके 6500 तक। वैसे आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको मेनली इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस टेबल में ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में दे देगा कि बोल देगा कि वेवलेंथ मान लीजिए कि 9500 से लेके 18750 के बीच में है, ठीक है, 18750 के बीच में है। बताइए इस वेवलेंथ में कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज लाई करता है और कौन सा, और वो रीजन है, कौन सा स्पेक्ट्रम रीजन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाला है ये, ओके, तो इसमें कौन सा वाला है, पाश्चन है, हम लोग यहां लिख देंगे कि ये पाश्चन सीरीज है, ठीक है। कौन सा रेडिएशन है, आईआर रीजन है, ठीक है। कौन सा रीजन है, तो आईआर है। समझ में आ गया, इसका मेन मकसद था ये बताना, ठीक है। ये आपको पता चल गया है, ये भी पता ही आपको, ठीक है। यही था टोटल ऑल अबाउट हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम, ठीक है, सिंपल था, मेनली आपको ध्यान क्या रखना है, ये पांच सीरीज ये बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद बालवर फॉर्मूला क्या होता है, रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है। उस पर एक छोटा सा सीरीज है जिसमें आपको ये मेनली ध्यान रखना है हल्का सा, ठीक है। तो बस यही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था ना, उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक था, हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैं चाहता आपको वो ड्रॉबैक उसी समय बता देता, पर उस ड्रॉबैक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ कहा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको जानेंगे ही नहीं और मैं उसको आपको पहले ही बता देता तो आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो जरूर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, वो भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।